हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। होप यू आर ऑल वेल एंड कीपिंग योर सेल्फ फिट एंड फाइन। आज यहाँ पे धूप लगी हुई है और मोना तो काम पे चली गई है आफ्टर 2 डेज़, और मैं और बच्चे घर पे हैं क्योंकि इनकी तो 2 वीक की छुट्टियाँ हो रखी हैं ईस्टर की। तो आज क्या काम कर रहे हैं कि आज आर्यन की क्लास लग रही है, वो लकड़ी काटने की, कि हाउ टू चॉप द वुड। तो देखते हैं क्या करता है। आर यू रेडी? ये हैव ग्लव्स ऑन? ओके ओके। एंड वो अश्मिता जो है, आर्यन ने पहले पढ़ाई कर ली है और अश्मिता अभी धूप लगी है तो बाहर बैठी है। और सुबह टेम्परेचर जो था वो तो माइनस, जैसे -3-4 होगा। हाँ, सुबह टेम्परेचर। तो अश्मिता, डू यू वांट से हेलो? हेलो, पढ़ाई हो रही है? केमिस्ट्री होमवर्क. तो अच्छा, धूप लगी हुई है ना? हाँ। इट्स नाइस आउटसाइड. और मौसम कभी कभी बादल हो जा रहे हैं पर अच्छा है। तो देखते हैं आर्यन क्या करता है। चल भाई आर्यन, रेडी हो जा। हाँ, ये गो हेड। ओह वेरी गुड। तो ये सारा काम सीखना चाहिए। आज तो लग्जरी लाइफ है, कल को पता नहीं क्या होगा ना। चल भाई चल, कोई बात नहीं, आ जाएगा। डरना नहीं है, जब मारना है तो मार देना, एकदम से छोड़ देना उसको। योर पोस्चर इज रॉन्ग दिस साइड, या एंड देन या ओके। धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आता है। इट्स टेक्स टाइम, इट्स लाइक स्विमिंग। ओ शाबाश, ओ वेल डन। ये पुट योर फुट अंडर द, ये एंड देन टेक इट आउट। ओ वेरी गुड। ओ तूने कमाल कर दिया यार, है उन्हें थोड़ी देर में फाड़ दिया। मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम कुल्हाड़ी पकड़ी है उसने आज, है ना? ये अच्छा, तूने चॉप कर दिया इसको, अभी एक एक और चॉप करना है। हाँ, जोर से मारना पड़ेगा थोड़ा। तो ऐसे रखना, जो एक पैर है ना वो आगे रखना और एक पीछे रखना, तो किसी भी डायरेक्शन में, अगर लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है तो डिपेंड करता है। एक को यहाँ से इसको पकड़ना है मुट्ठी को, और एक को आगे से पकड़ना है। ये भारी है काफ़ी, ये हैवी है काफ़ी, कुल्हाड़ी जो है तो हैवी चाहिए क्योंकि फाड़ना है इसको, लकड़ी को फाड़ना है तो चॉप करना है तो चाहिए उसके लिए। तो ऐसे ऐसे छोड़ देना। ओ तो आपको एक सलाह देता हूँ कि इस तरफ से साइड में नहीं खड़े होना है, क्योंकि ओके लकड़ी को दबती है ना तो वो साइड में जाती है। या और थोड़ा साइड में खड़े हुए। हाँ, तो दूसरी बात कि वो जब कोई लकड़ी काट रहा है अगर उसके पास हैं आप, उस पर ध्यान रखें, क्योंकि वो लकड़ी कभी भी उड़ के आ सकती है, कुल्हाड़ी छूट सकती है, तो उसके उससे आप बच के रहें। और थोड़ा 10-15 फीट दूर ही खड़े हुए हैं। अच्छा, ओके हमें बता देता। मैंने ये लकड़ियाँ भर ली हैं इसमें, सर्दियों में काम आती है, नो मैटर हाउ मच यू हैव। तो यहाँ पे तो सर्दी होती है तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे अंदर रख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी है लकड़ी, आसपास पेड़ वगैरह काफ़ी हैं,
तो लकड़ी की मुश्किल नहीं होती है। और वैसे जो वो रखा हुआ ना वो टर्फ तो वो कोयले की तरह जलता है, पर इसको लाइट अप करने के लिए ये अच्छा होता है इनिशली। कभी कभी लकड़ी मतलब डाल के तो अच्छा हो जाता है, एक साथ में हेल्प हो जाता है। वो अगर आप इन पेड़ों की लकड़ी काटते हैं तो इसको आप रख दीजिए कम से कम 1 ईयर के लिए, क्योंकि इसमें से जैप निकलता है। जो जैप होता है वो जैसे गोंद जैसी निकलती है और वो जलने के बाद जो चिमनी को ब्लॉक कर देती है। तो हमने इसको बाहर छोड़ दिया था यहाँ पे 1 ईयर के लिए, और अभी उसको उठा के लेकर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट विंटर के लिए ये अच्छा है, पर तभी के तभी मत लेकर जाइए या जलाइए मत, नहीं तो चिमनी में इशू होगा। तो जैसे ये जैप निकला हुआ ना, ये निकला हुआ आप देख रहे हो है ना, तो ये जो है वो चिमनी को ब्लॉक कर देगा, ये चिमनी में जम जाएगा और उसके ऊपर और परत जमती जाएगी जैसे एशेज वगैरह। तो इसको अगर आप यूज कर रहे हैं फायर के लिए तो 1 ईयर के लिए बाहर रहने दें। ये छोटी सी कुल्हाड़ी, तो ये आगे से जो है ना इसकी जो परत है ये बहुत थिक है, तो इसको ये आप देखेंगे तो इसका इससे कटे करता नहीं है कुछ भी। तो ये कितने मतलब यूज कर रहे थे और इसकी वो जो है वो चली गई है, इसकी जो शार्पनेस। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस मशीन में कैसे करते हैं। चेरी ट्री पे, चेरी ब्लॉसम पे ये अच्छे आ गए हैं फूल। थोड़ा मन खुश हो जाता है फूलों को देखकर ना। इस पे भी बर्ड्स आने शुरू हो गए हैं, ये एप्पल ट्री पे। और ये जो है ना पियर्स नाशपाती, इस पे लग गए हैं फूल। घास काटने को काफ़ी हो जाता है, अगर आप लॉन मोवर से घास काटते हैं तो ये काफ़ी लंबा है। यहाँ से आप देखेंगे वहाँ से तो इस तरफ को, ये तो पीछे पीछे है सारा, तो यहाँ से ये काफ़ी लंबा है, वो दूर तक है। तो यहाँ से ये पेड़ों की लाइन आ गई और इस तरफ को वो वहाँ तक है। तो जितना यहाँ साइड को गेट तक है, तो ये काफ़ी है काटने के लिए। और उसके आगे वो जो फ्रंट गार्डन है उसका भी काटना पड़ता है, तो ये काफ़ी हो जाता है काटने के लिए, 3-4 घंटे लग जाते हैं काटने के लिए। ये भी काफ़ी है, तो डिपेंड करता है कि लॉन मोवर अगर अच्छा है तो जल्दी कट जाएगा। अब ये अच्छी हो गई है, शार्प हो गई है दोनों तरफ से, अच्छे से लकड़ी कट जाएगी इससे, है ना। या इट लुक्स शार्प। छोटे वाली लकड़ी काटनी होती है तो उसके लिए अच्छा हो गया ये। cuz for smaller sticks there's no point in having the bigger axe। अश्मिता फुलके बना रही है, ये फुलके बना लेती है, अब बड़ी हो गई है तो फुलके बन रहे हैं इसके। हाँ दोपहर के ना। सुबह मैंने ये लकड़ियाँ भी उठा के रखी थी यहाँ पे, हाफ रह गई थी, जो फेंस उन्होंने नई वाली डाली थी ना तो वो आगे रखी हुई थी। तो मोना और आर्यन ने और अश्मिता ने थोड़ी सी रख दी थी, तो यहाँ पे ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ पे दीमक वगैरह होती नहीं है। तो मैंने कहा यहीं बाहर ही रहने देंगे इनको, कुछ
कुछ काम आ जाएंगी। तो ये लकड़ी काटने के लिए निकाली है, तो इसमें यहाँ पे दो ढक्कन लगे हुए हैं, तो ये नीचे वाला जो है इसमें चेंसो ऑयल डालना ज़रूरी है, तो ये डाल लेता हूँ मैं। इसके बिना चलाएंगे तो चेन जल सकती है। ज़्यादा नहीं, जितना कि आपको ज़रूरत है, जितने की चलानी है, आज हम ज़्यादा चलाएंगे नहीं। तो ऑयल डालना है इसमें, वो डालना है मिक्स करके, जैसे मोटरसाइकिल में डालते हैं ना लुब्रिकेंट, तो इसमें मिक्स किया हुआ मैंने। तो ये फनल वगैरह यूज़ कर लीजिए अगर आपको ज़रूरत है, मैंने थोड़ा सा डालना था क्योंकि ये पहले से फुल थी। ये जो है चेन को टाइट करने के लिए ये चीज़ लगी हुई है यहाँ पे, तो इसको बाहर निकालेंगे और थोड़ा सा टाइट करके इसको वहाँ पे टाइट कर देंगे। ज़्यादा भी टाइट नहीं, इजी से मूव हो जाए, ऐसे ये मूव हो रही है ना इजी से। तो सुबह से शाम हो गई है, मोना के घर आने का टाइम भी हो गया। मैंने भी टी शर्ट डाल ली थी क्योंकि यहाँ पे टी शर्ट डालने का ज़्यादा मौका मिलता नहीं है, क्योंकि ठंडा होने के कारण ना ज़्यादा मौका मिलता नहीं है, तो मैंने कहा आज भाई दिन अच्छा है तो टी शर्ट डाल दो। वैसे भी ड्यूटी जाना होता है तो वहाँ पे अंदर अंदर टाइम का पता नहीं चलता, सुबह शाम कब हो जाती है। लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कीप डूइंग योर गुड थिंग्स यू आर डूइंग इन डेली लाइफ, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस वन डे। एक चिड़िया इधर बैठ जाती है ना, और जो है ना वो वाली उस तरफ बैठी होती है, फिर आपस में ना बात करती रहती हैं ये इधर से उधर। एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती हैं, पर अच्छी लगती है इनकी चहचहाट। मोना भी काम से वापस आ गई है और मुझे भी सुबह शाम होगी बाहर काम करते हुए। सुबह मैंने लकड़ियाँ उठा के रखी थी, मोना वैसे मैंने काम कर दिया आज काफ़ी अच्छा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए। मैंने आज खत्म कर दिया ये वीडियो के।